नमस्कार दोस्तों, इंडियन गुरु जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आज आपको बताऊंगा यास एट 52.2 डिग्री ईस्ट के लिए, वहां पर आप फ्री टू एयर चैनल देख सकते हैं जो HD चैनल है और 126 के आसपास चैनल्स आपको वहां मिल जाते हैं। उसमें से बॉलीवुड के भी कुछ चैनल होते हैं और कुछ सऊदी अरेबिया के चैनल, और ख़ास चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर HD चैनल्स आपको मिलते हैं जो इंग्लिश चैनल्स है, जो आपको नॉर्मल अगर सेट टॉप बॉक्स आप यूज़ करते हैं टाटा स्काई वीडियो कॉन, वहाँ पर वो चैनल्स आपको एक चैनल ही 35 रुपये या 30 रुपये का मिलता है। वहाँ पर वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश का चैनल आपको मिल जाता है जो आप देख सकते हैं। तो आप देखते रहें ये वीडियो जिसमें आप समझ पाएंगे किस तरह से आप ये सेट कर सकते हैं और क्या क्या फ्रिक्वेंसी होगी। यह सेट करने के लिए सबसे पहले आपको जो अपने सेटअप बॉक्स की फ्रिक्वेंसी एड प्रोग्राम में जाकर प्रोग्राम एडिट करना होगा, वहाँ पर जो LMB फ्रिक्वेंसी रखनी होगी वो होगी 9750 और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 10600 होगी। उसके बाद में अगर हम बात करें फ्रिक्वेंसी की, तो यहाँ दी गई स्क्रीन पर इस अनुसार फ्रिक्वेंसी 11747 आप रख सकते हैं, ओरिजेंटल 27500 22 के आपका ऑफ रहेगा। मैं स्क्रीन पर इसकी इमेज आपको मैंशन कर देता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं क्या आपको सेटिंग्स करनी है अपने बॉक्स में। डिस्क की तरफ चलने से पहले हम कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पर ये है सूरज से थोड़ा इस तरफ चलते हैं तो यहाँ पर 76 और 75 ABS होता है। ABS से थोड़ा इस तरफ यहाँ पर 52 डिग्री ईस्ट यहाँ सेट होता है, जैसे यहाँ लाइव भी बोलते हैं। इसी के पास में डायलॉग TV होता है, तो इस जगह इस सेटिंग्स पे आपको यहाँ सेट करना है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि इस जगह होगा। यहाँ सेट को सेट करने के लिए जो सेटिंग्स हमें करनी होती है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो सेटिंग्स ये LMB सेटिंग है, LMB की जो सेटिंग है ये आप देख सकते हैं, ये 48 पे सेट होगी, प्लस 48 पे ये आप देख सकते हैं, ये 50 है, 50 की सिद में 48 के आसपास ये सेट है। इधर अगर इसे बगल में से देखते हैं तो ये थोड़ा अपना दाहिनी तरफ नीचे लटका हुआ तार दाहिनी तरफ होगा, आप देख सकते हैं। सेटिंग्स देखें तो अब जो सूरज उगता है, सूरज किस तरह से उगता है, सामने की तरफ से, यहाँ से थोड़ा अगर इस तरफ देखेंगे, सीधा इस तरफ देखेंगे तो सीधा जो रहेगा वो रहेगा ABS से थोड़ा इस तरफ रहेगा वो जो रहेगा यहाँ साइड, क्योंकि अभी यहाँ साइड का सेट है। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी अपना 49 के आसपास रहेगा, वहाँ पर LMB 48 के आसपास सेट है। तो वहाँ सेट करने के बाद में यहाँ सेट हम सेट कर सकते हैं। अभी सेटिंग्स करने के बाद हमने अच्छा तरीके सेट कर लिए, और करने के बाद में मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कैसे कौन कौन से चैनल्स इसके आते हैं। अभी जैसे कि हमने सिंपल वे से सैटेलाइट सेट किया था, नेक्स्ट वीडियो से मैं जो बताऊँगा अब इसमें नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा किस तरह से इससे सेट करते हैं, और उसके बाद में कंटिन्यू सारे जो सैटेलाइट सेट करेंगे इसी से सेट करेंगे। तो आप इंतजार करें नेक्स्ट वीडियो का, और हम देखते हैं चैनल कौन कौन से आगे नीचे TV की ओर चलते हैं। जैसा कि TV स्क्रीन पर सिग्नल आ चुके हैं और ये सिग्नल्स हम देख सकते हैं, जितनी भी फ्रिक्वेंसी है सैटेलाइट पर उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। इस फ्रिक्वेंसी पे नहीं आया सिग्नल, कुछ कुछ फ्रिक्वेंसी है जिन पर सिग्नल नहीं आए हैं और कुछ पे आ चुके हैं। तो इसके बाद में हम इसे रीसेट करें तो आज सर्च करेंगे, सर्च करने पे कौन कौन से चैनल आते हैं वो हमें पता लगेंगे। जब इसके लिए जाते हैं पहले से जितने भी चैनल थे उनको डिलीट करते हैं और सैटेलाइट में जाते हैं। सैटेलाइट में यहाँ सेट यहाँ सेलेक्ट करना है, और अगर आपका सिंपल बॉक्स है तो वहाँ पे आपको ऑटो पे स्कैन करना है। यहाँ पर जैसे कि स्कैन के लिए सर्च का ये ब्लू बटन दबाने के लिए कहा जा रहा है, तो मैं यहाँ से ब्लू बटन दबा देता हूँ। ब्लू बटन दबाते ही यहाँ लिखा हुआ रहा है कि आप प्रेजेंट मोड पे करना चाहते हैं, बिल्कुल मैं प्रेजेंट मोड में या ब्लाइंड स्क्रीन पे कर सकते हैं, इससे ज़्यादा चैनल्स आते हैं। उसके बाद में फ्री टू एयर मैं चैनल लेना चाहूँगा ओनली, तो फ्री टू एयर कर देंगे। अगर सभी लेना चाहें तो वो सारे ले सकते हैं, बट वो नहीं चल पाते हैं ज़्यादातर। अभी स्कैनिंग हो रही है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से चैनल्स आते हैं। यहाँ पे देखो जी क्लासिक भी आ चुका है, जी सीरीज़ भी आ चुका है, कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिसमें इंडिया के जो सीरियल्स आते हैं वो आते हैं, कुछ में हिंदी में आते हैं और कुछ में वहाँ की भाषा में कन्वर्ट होके आते हैं। तो अच्छे अच्छे चैनल भी हम देख सकते हैं और कुछ ठीक ठाक है देख सकते हैं, तो HD चैनल्स ज़्यादा इसमें देख सकते हैं। अब जाएंगे चैनल लिस्ट में, पहला चैनल अल अखबारिया, इसमें बिजनेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट ST, ये एक स्पोर्ट्स चैनल है आप देख सकते हैं। सऊदी चैनल कुरान का है, कुरान के रिलेटेड सऊदी 1 HD, बहुत सारे चैनल है जो HD के चैनल है, मैं आपको इसे डायरेक्टली बताता हूँ इसके। और इसके पूरी लिस्ट में अभी ब्लॉग शुरू करूँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि किस पे कौन कौन से चैनल आते हैं, उसका पूरा इमेज
और डिटेल्स, या जैम बॉलीवुड है। आप जैसे देख सकते हैं हिंदी भी मूवी आ रही है, ये हिंदी की मूवी है, ये इंडिया की, बस इसके सबटाइटल्स जो है ना वहाँ की लैंग्वेज में आ रहे हैं, सऊदी की लैंग्वेज में। जी क्लासिक है, ये भी हिंदी की मूवी आ रही है। जेम सीरीज़, ये इसमें इंग्लिश का चैनल चल रहा है जो बहुत महंगा चैनल है, यहाँ अगर देखें तो इंग्लिश की मूवीज़ इस पे आती हैं। ये खुर्द का है, इसके बाद में बात करते हैं इंडिया के चैनल के लिए। MBD एक्शन, इंग्लिश के बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो हमें यहाँ नहीं मिलते हैं, वो वहाँ मिल रहे हैं। तो लास्ट में MBC बॉलीवुड अगेन, इसमें ये देख सकते हैं ये जो चैनल आ रहा है कुछ इंडिया का ही चैनल है। ये सिंग इज किंग मूवी है जो इंडिया की मूवी है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी मूवीज भी इस पे आती हैं और HD में, ये चैनल भी HD में देख सकते हैं। ज़्यादातर जो चैनल्स हैं अच्छी क्वालिटी में हैं और अच्छे चैनल्स हैं वहाँ पर जो दिखाई देते हैं। इसके बाद में बॉलीवुड के ही कुछ चैनल्स हम देखते हैं, अदीदी विराट, और ये जियो का जो नेशनल जियोग्राफी का चैनल हम जो देखते हैं यहाँ पर, उसी को यहाँ पर HD में हम देख सकते हैं। ये HD चैनल है, फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ ये चार्जेबल चैनल है। अगर टाटा स्काई की बात करें तो 35 रुपये का, और अगर बात करें वीडियोकॉन का, वहाँ भी 35 रुपीज़ के आसपास इसके चार्जेस लगते हैं। ये स्पोर्ट्स का चैनल है जिसमें यहाँ के चैनल्स भी, अब मैं बात करता हूँ अभी जो इंडिया का मैच आ रहा है उसके, उसको दिखाता हूँ आपको, इंडिया और इंग्लैंड का मैच, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, इसी पे मिलेगा वो। और अगर देखें तो यहाँ आपको रिचार्ज कराना होता है, टेन स्पोर्ट्स या कोई भी चैनल आपको रिचार्ज कराना होता है तब जाके हम देख सकते हैं, अन्यथा नहीं देखो। अभी ये हिंदी मूवी है, देख सकते हैं। BBC भी इस पे आता है, जेम सीरीज। ये HD का चैनल है, कुछ इंडिया के भी हैं और कुछ वहां की कंट्री के भी हैं। हम बात कर रहे थे मैच की, तो मैच यहाँ पे देख सकते हैं। ये कुछ वतन TV है, इस पर भी हिंदी का मूवी है, ये वतन TV पे आ रहा है इस समय मैच, आप देख सकते हैं लाइव मैच है इस समय का, जो आपको यहाँ पे चार्जेबल मिलता है, फ्री नहीं मिलता है, वही आप देख सकते हैं। इसका आवाज, और ये इंग्लिश लैंग्वेज में और हिंदी लैंग्वेज में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिल पाई है कि किस तरह से यह सेट आपको आप देख सकते हैं और कितने फ्री टू एयर चैनल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो सैटेलाइट मीटर है उससे डायरेक्टली आप सेट कर सकते हैं और सेट टॉप बॉक्स में आपको किसी प्रकार की कोई भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक ब्लॉग क्रिएट करूँ जहाँ पर सारे चैनल्स की लिस्ट मैं आपको दिखा सकूँ और सारे चैनल्स के लोगो भी लगा सकूँ, क्योंकि सारे चैनल्स में यहाँ पर आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, जिससे कोशिश करूंगा कि एक ब्लॉग क्रिएट कर वहां पर मैं आपको इस तरह का दिखा सकूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको लगातार इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें।